हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सूरज कुमार, मेरा नाम क्या है, सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में स्थित है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, नया नियम क्या है, सीट क्या बढ़ी है और इस बार क्या ICR वाले का ही एडमिशन होगा या विदाउट ICR वाले का, जो लोग प्राइवेट से पढ़े हैं क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बिहार से हैं तो सबसे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए बटन और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर एग्रो करियर पूसा ऐप जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको BAU सबौर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। साथ में अगर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं और AFO और एग्रीकल्चर जॉब्स की, तो आप SV गुरु एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर हमें व्हाट्सअप करके आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि देखिए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर में है, वहाँ पर एडमिशन लेने का दो तरीका है, एक UG, PG और PhD। नंबर वन, UG में एडमिशन लेने के लिए आपको BCC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि बिहार इंट्रेंस लेवल पे होते हैं, जिसमें आपको जो आपको 85% जो सीट हैं वो आपके BCC से कंफर्म होते हैं, मतलब नाम एडमिशन होते हैं। बाकी रिमेनिंग सीट के लिए आपको ICR एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि ICR में CUCT के माध्यम से एग्ज़ाम होता है और काउंसलिंग ICR करवाती है। सेकेंड ये, और इसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको 12th साइंस से होना चाहिए, चाहे मैथ, चाहे बायोलॉजी, चाहे एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। उसके साथ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, PG और PhD में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो PG में आपको देखिए बिहार में का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रुप हैं, लेकिन कॉमन एग्ज़ाम होता है जनरल एग्रीकल्चर का, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मिनट दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि नेगेटिव मार्क्स होता है, यानी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। और एक चीज़ और, इस बार सीट बढ़ने वाली है, डबल होने वाली है, तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 17 तारीख को, जुलाई को मीटिंग हुई थी 3:30 बजे, तो उसमें आप सीट बढ़ी है कि नहीं, तो कॉन्फिडेंस ले, जैसी आपका फाइनल ब्राउचर आएंगे 2023 वाली, तो आपको पता चल जाएगा और सारा चीज़ हम अपडेट कर देंगे। MSc AG के लिए आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसके लिए आप ICR, चाहे नॉन ICR, UGC या प्राइवेट से भी, आप कहीं से बिहार से अलग यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने एग्रीकल्चर किए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में BAU सबौर में आप 2023 वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आपका एडमिशन होगा। इसके लिए जानिए कि इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, उससे पहले हम बताते हैं, जो PhD में है, PhD में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। उसके लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो आपका ICR का जो SRF का सिलेबस है, तो सिलेबस वही होती है। रहा था, इसके बाद हम बताते हैं कि MSc AG वाले को क्या करना होगा। MSc AG वाले को आपको करना यही होगा कि आपको फॉर्म आते हैं, फॉर्म आके फिलअप करना होगा। सारा प्रोसेस हम एग्रो करियर पर बता चुके हैं, रहते हैं और आपको बताते भी हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कि कैसे क्रैक करने, कितना लाना है पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो आप हमारे 199 का बेसिक टू एडवांस BAU सबौर टेस्ट सीरीज आप वाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे एग्रो करियर पूसा ऐप डाउनलोड करके। और इसके अलावा आप लोग जानना चाहते थे ना कि क्या प्राइवेट वाले बैठ सकते हैं या नहीं। हाँ, प्राइवेट वाले भी बैठ सकते हैं, जो लोग गवर्नमेंट से नहीं पढ़े हैं, ICR इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े हैं और बाहर से पढ़े हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं, इस चीज़ को आप लोग जानिए। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि आप लोग को बहुत ख्वाहिश रहता है ना जानने की, सर काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए थे लगातार 2 साल से नवंबर में हो रहे हैं, तो इस बार भी मान के चलिए कि ये जुलाई लास्ट में उम्मीद है कि आपका फॉर्म आ जाएंगे, तो आपके वही अगस्त नहीं सेप्टेम्बर के अराउंड एग्ज़ाम हो सकते हैं, अक्टूबर, बाकी डेट वेरी कर सकता है, ये अभी टेंटेटिव हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये सारे प्रोसेस है एडमिशन का, और यहाँ का जो है फी, एक तरह से फ़ी बहुत कम है, फी हो सकता है इस बार हाइक हो, लेकिन उम्मीद नहीं है कि हाइक होगा, अगर हाइक भी होता भी है तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा होगा। और यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं, फेलोशिप जो बिहार रेसिडेंशियल होते हैं उन्हें MSc में 3,000 और UG में 2,000 देते हैं, और ICR के जो अदर स्टूडेंट हैं बच्चे, उनको PG में आपको ICR देता है, जो ICR से एडमिशन लेते हैं, और सेम डोमिसाइल वाले को ICR नहीं देते हैं, और आपको
यूजी में 2000 रुपये प्लस बुक्स का भी चार्ज दिया जाता है। और हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, क्योंकि और एक चीप एंड बेस्ट मेस के भी चार्ज आपको 3000 रुपये के अराउंड है 3500, और आपका रूम वूम का चार्ज और मिला के सारा सेमेस्टर फर्स्ट टाइम 10000 के अराउंड लगते हैं। फिर उसके बाद आपको खाने का अलग से देना होता है, हॉस्टल में रहने का नहीं, इंक्लूडिंग वो जो 10000 है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आपको 2500 से 2700 के अराउंड में आपको दिए जाते हैं, तो मिनिमम होते हैं ये सारे चार्जेज हैं। इसके अलावा और भी कोई जानकारी होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप एग्रोकेटेड पूसा ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में इस बार के मेगा जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस है, लेकिन बिना एग्ज़ाम के आपको एडमिशन नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आपको लाना पड़ेगा। ये सारे डिटेल में आपको हम बता देंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो फिर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।